नमस्कार बच्चों, सांख्यिकी के इस नए पड़ाव पर आप सभी का नव भारतीय स्टडी सर्किल में बहुत बहुत स्वागत है। सांख्यिकी के अंतर्गत हम लोग आज स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द वेरिएंस, ये करके हम इसको निकालना सीखने वाले हैं। मानक विचलन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन को किस प्रकार से निकालेंगे, इसके साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं पहले कि इस वास्तव में स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है। जब हम कोई भी आंकड़े हमारे सामने आते हैं, मान लीजिए किसी क्लास है, क्लास के आपने मैथ्स का टेस्ट लिया और मैथ्स का टेस्ट में जो आपके सामने आंकड़े निकल के आए, प्रत्येक बच्चे के अंक निकल के आए 10 में से, वो आपके लिए आंकड़े हैं, आपके डाटाज हैं। उन डाटाज का आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, मानक विचलन निकालना है। ये है क्या उन डाटाज का, उन आंकड़ों का आप सेंट्रल टेंडेंसी, उनके केंद्रीय प्रवृत्ति तो निकाल सकते हैं, वो आप निकाल सकते हैं, उसका माध्य निकाल लें, औसत निकाल के निकाल सकते हैं, माध्यिका निकाल सकते हैं, बहुलक निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपने उन सभी अंकों को जोड़ा और जितने विद्यार्थी थे उनके संख्या का भाग दे दिया, तो इस प्रकार से आपने औसत और उसका मीन माध्य निकाल लिया। अब उसके माध्य से जो सेंट्रल आ गया मान, बीच का मान आ गया, उस बीच के मान से सारे बच्चे कितने कितने दूर हैं, सबसे कम अंक प्राप्त करने वाला बच्चा कितना दूर है, सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाला बच्चा कितना दूर है, उनका जो डिफरेंस है, उनका जो डेविएशन है, उनका जो विचलन है, उन विचलन का एवरेज निकालना मानक विचलन कहलाता है। तो उनके जो डिफरेंसेस है, उन डिफरेंसेस के स्क्वायर करके, उनका वर्ग करके, उनके वर्ग करने के बाद में फिर उसके अंदर एन माइनस वन का भाग देकर फिर उसका वर्गमूल निकालकर, इस प्रकार से हम मानक विचलन निकालते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे तो हम ठीक प्रकार से समझ पाएंगे हम कैसे निकालेंगे। जब हम इसके अंकों को माध्य के साथ में उनका डिफरेंस निकाल के वर्ग करके एन माइनस वन से भाग देते हैं तो वो उसका वेरियंस आता है, और वेरियंस का जब हम वर्गमूल ले लेते हैं तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बनता है। उसका सूत्र ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर आपका सिग्मा एक्स, ये एक्स तो क्या है आपके, ये जो अंक है एम क्या है, ये अंकों का माध्य है, एन क्या है, ये सिग्मा एफ है आपकी फ्रीक्वेंसी, कितने स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट की संख्या है, माइनस वन, एस ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन का वर्ग है, तो इसका वर्गमूल आपको निकालना पड़ेगा। बाद एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण लेके उसको समझेंगे तो आप अच्छी प्रकार से। एक प्रॉब्लम, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो। डाटा आपको ये दिया हुआ है, आपको मार्क्स दिए हुए हैं क्लास इंटरवल में, क्लास इंटरवल मार्क्स दिए हुए हैं 10 से 20 के बीच में एक विद्यार्थी के, 20 से 30 के बीच में 6 विद्यार्थियों के अंक आए, 30 से 40 के बीच में 12 विद्यार्थियों के, 40 से 50 के बीच में 17 विद्यार्थियों के, 50 से 60 के बीच में 14 विद्यार्थियों के, 60 से 70 के बीच में 6 विद्यार्थियों के, 70 से 80 इस प्रकार से करके ये आपके सारे अंक दिए हुए हैं। सॉल्यूशन निकालने के लिए सूत्र, क्योंकि हमें पता है x माइनस m, तो हमें माध्य निकालना पड़ेगा पहले, तो ठीक है हमें आप उसका अंतर निकालेंगे और फिर उसका वर्ग करेंगे। तो करते हैं, मैंने कुछ किया हुआ है, टेबल बना रखी है, देखिए सबसे पहला काम आपको करना था माध्य निकालने के लिए, ये जो आंकड़े दे रखे हैं इंटरवेल, इनका माध्य निकालना, इनका सबका माध्य 10 और 20 के बीच में बिल्कुल क्या आता है 15, फिर 20-30 के बीच मध्य 25-35, ये x x निकालना है। सबसे पहला काम आपको ये करना है, सबसे पहला फर्स्ट वर्क ये करना है, फिर f और x का गुणा करना, सेकंड वर्क आपको ये करना, f को और x को गुणा करना, ये सेकंड काम करना, ये हो जाएगा। फिर जो इसका इसका ये नीचे आएगा, इसको आने के बाद में आपको इसका माध्य निकालना, तो माध्य कैसे निकालेंगे, माध्य निकालने के लिए m, माध्य निकालने के लिए ये माध्य है आपको सिग्मा एफ एक्स में, आपको सिग्मा एफ का भाग देना, सिग्मा एफ एक्स, ये सिग्मा एफ एक्स, ये सिग्मा एफ एक्स है और ये सिग्मा एफ है, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स, इसका एफ एक्स का जोड़ 2820 में आप भाग देंगे सिग्मा एफ 60 का, तो जीरो से जीरो कट जाएगा, 6 चौक 24, 4 6 7 42, 47 आपका माध्य आएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, x माइनस m ये निकालना, ये तीसरा काम करना है आपको, इसमें से x में से
एम को घटाना, एक्स ये रहा, एक्स में से 35 को घटाना, 47 को घटाना, 47 आया था ना माध्य, 47 घटाना, घटाया तो कितना आया -32, फिर 47 घटाना इसमें से कितना आया -22, फिर 47 घटाना -12, फिर -2, ऐसे करके इनमें से आप 47 घटाते जाएंगे तो आपका -28 38 प्लस 38 प्लस प्लस 28 प्लस 38 ये आ गया आपका x माइनस m। x माइनस m जो आया है आपका, इसका आप स्क्वायर ले लीजिए, इसको वर्क करना है तो ये आपका चौथा काम करना है, ठीक है, इसका वर्क, ठीक है, इसका वर्क कर लेंगे। कई बार इसको हम f से गुणा करते हैं, f से x माइनस m को f से गुणा करते हैं, और कई स्थान पर बिना उसको f से गुणा करे सीधे भी निकाला हुआ है ना, तो इसको f से गुणा करेंगे तो सूत्र आपका ये बन जाता है, फिर एस डी स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स माइनस एम का स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन। तो ऐसा करने की अभी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक्स माइनस एम आया, एक्स माइनस एम का हम स्क्वायर ले लेंगे, स्पीयर मैन ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकाल रहे हैं इसमें इसका करने की जरूरत, हाँ एक्स माइनस एम आया इसका वर्ग लेंगे हम, वर्ग लिया तो माइनस 32 का वर्ग, ये सारे वर्ग इसके हमने ले लिए, -2 का वर्ग प्लस के 4, 8 का वर्ग 64 है ना, ये सारे वर्ग हमें लिए, इसको हम जोड़ देंगे तो ये आ गया आपका सिग्मा x माइनस m का स्क्वायर। अब हम सूत्र में निकल रख देंगे तो s स्क्वायर आपका आ गया, ऊपर तो आ गया 4272 और नीचे n माइनस 1, n कितना है 60, तो 60 माइनस 1 अर्थात 59, 4272 बटे 59, 59 का भाग देंगे इसमें तो आपका आ जाएगा 72.40। हमें तो एस डी निकालना है, एस आया तो हम इसका वर्गमूल लेंगे 72.40 का, वर्गमूल लेना आपको आता है 72.40, दो दो के जोड़े बनाएंगे, 8 का भाग दें, 8 से इधर 8 का भाग देंगे, 8 का यहाँ लिखेंगे तो 8×64 लाइन खींचेंगे घटा देंगे, 64 घटाया तो नीचे बच गया आपका 8। पॉइंट के बाद की संख्या उतारी, जोड़ा उतरता है 40 तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, 8 का दुगना 8 यहाँ जोड़ेंगे तो 8 का दुगना आएगा 16। अब भाग देंगे तो 5 बार जा रहा है तो 5 यहाँ लिखेंगे और 5 ही यहाँ लिखेंगे, 5 से गुणा करेंगे इसे तो आपका आ जाएगा 8 ये 5 तो 2 फिर 8 घटा देंगे, घटाने पर आया आपका 15, इसे जोड़ लेंगे तो इधर जा जाएगा 170। अब ध्यान दीजिए पॉइंट लगा हुआ है, 00 उतार लेंगे, यहाँ यदि जीरो भी लिखते हैं आप, यहाँ भी जीरो भी लिखते हैं इस जगह जीरो भी, तो ये इससे बड़ा हो जाता है, तो एक भी लिखेंगे तो बड़ा हो ही जाएगा, 1701 गुणा 1701 इससे बड़ा हो जाएगा, तो दो जीरो और उतारने पड़ेंगे, जब एक संख्या और उतारेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो 0.2 से अंतर निकालना तो इतना काफ़ी है, 8.50 ये आपका उत्तर आ जाएगा, ये आपका है मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको निकालना सीखा, मुझे लगता है आपको आ गया होगा, थैंक यू, धन्यवाद।